आवाज़ एक माँ के रोने की है और कहते हैं जब माँ के आंसू निकलते हैं तो सारी कायनात उस माँ के साथ खड़ी हो जाती है क्या दुख था कि एक माँ अपने बेटे से गले मिलकर इस तरह से रोई कि उसे देखने वाला उसे सुनने वाला हर किसी की आंखें उस वक्त नम हो गई पाँच माह यानी 150 दिन 150 दिन सीख चो के पीछे अगर किसी का निर्दोष बेटा चला जाए तो उस माँ पे क्या गुजरेगी उस पिता पर क्या गुजरेगी और उसके परिवार पर क्या गुज़रेगी यही कहानी है सद्दाम की जो आवाज़ें आपने अभी सुनी ये सद्दाम की माताजी, सद्दाम के पिता और सद्दाम की पत्नी की थी जिन्होंने पाँच माह बाद अपने निर्दोष सद्दाम से उदयपुर की सेंट्रल जेल के बाहर मुलाकात की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने था यह दुख की घड़ी जरूर थी लेकिन ये जो आंसू थे ये खुशी के थे पांच महीने तक खून के आंसू रोने पर मजबूर एक परिवार लेकिन जब एक निर्दोष को दोषी मानकर सीख चो के पीछे डाल दिया गया उसके बाद फिर से उसी पुलिस प्रशासन ने पुनः जांच बिठाई और निर्दोष को निर्दोष साबित करके रिहा करना पड़ा यह खुशी उस वक्त दुगुनी हो गई जब सद्दाम अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों के साथ बैठकर रोजा इफ्तिहारी की रोजा चल रहा है रमजान का पवित्र माह है इस रमजान के पवित्र माह में ऊपर वाले ने परवर दिगार ने उन माता पिता के आंसुओं को सुना उन माता पिता के आंसुओं को देखा और शायद इसी वजह से आज सद्दाम जो नकली नोट प्रकरण में पाँच महीने तक निर्दोष होने के बावजूद सीख जो के पीछे था उसे आज रिहाई मिली है चलिए माता पिता के आंसू तो आप लोगों ने देख लिए उनकी चीख आप लोगों ने सुन ली लेकिन उन खुशी के क्षण आपको दिखाते हैं वो खुशी के क्षण आप लोगों तक पहुंचाते हैं जब सद्दाम ने घर बैठकर अपने परिजनों के साथ अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तिहारी की है यह भजन नाथ का हम हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान है ये। हम सब का हिंदुस्तान है ये ये पांच माह बाद जब सद्दाम अपने घर लौटा तो रमज़ान के पवित्र माह में रोज़ा इफ्तिहारी अपने परिवार के साथ बैठकर किए की है आप सोच सकते हैं आप समझ सकते हैं यह दृश्य और यह पल उस परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे हमारे साथ सद्दाम का पूरा परिवार है और हम इस वक्त नकली नोट प्रकरण में पाँच माह सजा काट चुके सद्दाम के साथ हैं उनके घर पर हैं और रोज़ा इफ्तिहारी के बाद उदयपुर न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि उनके जो अनुभव है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ यहाँ सद्दाम से बात करने से पहले सबसे पहले आपको मैं उस पिता के पास लिए चलूँगा जिसके कंधों पर वो जिम्मेदारी थी कि वो फूट कर रो भी ना सके एक माँ ने अपने एक माँ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई एक पत्नी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई लेकिन उस पिता के कंधे पर वो जिम्मेदारी थी कि अगर वो टूट जाते तो परिवार को कौन संभालता जी हाँ सद्दाम के पिता हमारे साथ हैं सर सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज बेटा आपके पास है क्या कहेंगे कैसे निकाले थे ये पाँच महीने सबसे पहले तो आप न्यूज़ वालों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा ठेठ से ठेर तक साथ दिया सच्चाई को बताई लोगों के सामने सच्चाई लाए हमें भी हौसला मिला लोग हमारे साथ में जुड़ते रहे अभी जिन्ने जिन्ने हमें सहयोग दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इससे आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाता आज आपको बोलना पड़ेगा आज बेटा आपके साथ है आपने कैसे गुजारे थे ये पाँच महीने और आज जब बेटा आपको मिला क्या सुख क्या लगा आपको जन्नत से कम शायद ये सुख नहीं होगा आज, आज मुझे बहुत खुशी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जिंदा जली हैगी लोग लो एक दूसरे की मदद करते हैं और आज वो मेरे साथ में हुई है पुलिस प्रशासन ने भी मेरी मदद की न्यूज़ वालों ने भी की जो हमारे दोस्त भाई थे उन लोगों ने भी मेरी मदद करके आज मेरे बेटे को मेरे पास में ला के छोड़ा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बस थैंक यू अगर नहीं बोल पाऊँगा बिल्कुल हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं और इसी की मिसाल आज उदयपुर में पेश हुई है पाँच महीने निर्दोष होने के बावजूद सिख चो के पीछे अगर किसी का जीवन धकेल दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी उसके परिजनों पर क्या गुजरेगी और जब मौका ऐसा हो कि कोई व्यक्ति देशभक्त कहलाने वाला हो और देशभक्ति की का जो जज्बा है वो उसके रगों में दौड़ रहा हो और वो सरकार की मदद के लिए नकली नोट उसके घर आ गए हो और वो थाने में जमा कराने गया और उसे निर्दो उसे दोषी मानकर देशद्रोह की सज़ा के लिए सीखचों के पीछे डाल दिया गया हो तब आप सोचिए उन परिजनों पर क्या गुजरेगी एक, एक दिन का हिसाब माता पिता के आंसू मांग रहे हैं माता जी से बात करेंगे माता जी क्या कहना चाहेंगे आज बेटा आपके साथ है पूरा परिवार साथ है रोज़ा ही आपने अभी की है मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और प्रकाश भाई चंडलिया साहब का भी वो हमारे को ढाई महीने बाद मिले और उन्होंने हमारी ऑडियो वीडियो सुनी सुन के उन्होंने हमारी मदद करी और आज दिन तलक मदद कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ में अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन भाई पार्सद साहब है उन्होंने का भी धन्यवाद करती हूँ मैं जोशी साहब का भी धन्यवाद करती हूँ मैं और मणिष जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो अध्यक्ष साहब हैं कोर्ट के उनको अल्लाह ताला हमेशा कोर्ट के अध्यक्ष साहब ही बना रखे और अल्लाह ताला उनको आज जब पहली बार बेटे से मिले थे तब क्या लगा क्या सोचा जब पहली बार उससे गले मिले तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए हम भी जानते नहीं रोक सकता आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी नहीं रोक पाता क्या कहेंगे पाँच महीने बाद आज आपका बेटा आपके घर फिर लौटा है बस मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि पाँच महीने बाद मैंने बे, मेरे बेटे का इंतजार था आने का वो निर्दोष मुलजिम बना के उस पुलिस ने जित पुलिस की मदद करना चाह रहा था मेरा बेटा और उसी ने मुलजिम बना के पुलिस ने डाल दिया और उसके बाद पाँच महीने के बाद बाईस तारीख को मेरे बच्चे को अंदर जेल में डाला था और आज बाईस तारीख को ही बाहर निकाला पाँच महीने बाद मैं पाँच महीने से दर दर की ठोकर खा रही थी और खून के आंसू रो रही थी मेरे बेटे का इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा कब आवे और मेरी कब ईद होवे और मैं मेरे बच्चे का बस इंतजार ही कर रही थी कि मेरा आज बेटा आ गया तो मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँगी बहुत खुश हूँ आज और महीन रमज़ान शरीफ का महीना हमारा इबादत का महीना है बरकती का महीना आज हमारे बच्चे के साथ में हमने इफ्तारी करी उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा आज ऐसा लगा हमारे घर में हमारा आज नया चांद उतर के आ गया है बस में और क्या कहूँ आगे मैं नहीं कह सकती हूँ सब धन्यवाद करती हूँ पुलिस पुलिस प्रशासन का भी उदयपुर न्यूज़ वालों का जितने भी आज दैनिक भास्कर वाले हैं जितने भी अधिकारी हैं वहाँ आए है, सब लोग उनका सबका मैं तय दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सब ने मेरी मदद करी और आज दिन तला करते हो आप उदयपुर न्यूज़ वालों ने जो मीडिया में लाए और सच्चाई दिखाने के बाद में हमारा सपोर्ट करा और आज सच्चाई लाने के बाद उसको इंसाफ़ दिलाया सदाम को इंसाफ दिलाया और हमको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ने सच्चाई का साथ दिया बिल्कुल हमें भी फख्र है कि आज एक माता पिता को उनका बेटा मिला एक पत्नी को उसका पति मिला और दो बच्चों को उसके पिता मिले और वहीं एक बहन को उसका भाई और एक भाई को उसका भाई मिला है इंसानियत के रिश्ते आज भी ज़िंदा हैं इंसानियत के रिश्ते आज भी कायम हैं और शायद इसी वजह से इंसानियत ज़िंदा है अपने दिल में इंसान चाहे मरे लेकिन इंसानियत ज़िंदा रखो क्योंकि ये इंसानियत ही आपको एक दूसरे से जोड़ कर रखती है आपके बुरे वक्त में शायद कोई मसीहा बनकर आपके सामने आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि बुरे वक्त में भाई भाई का साथ ना दे बस ज़रूरत है तो इंसानियत की रोज़े चल रहे हैं रमज़ान का पवित्र माह है माता पिता की जो बातें थी वो आप लोग सुन चुके हैं लेकिन इस रमज़ान के पवित्र माह के बाद जो ईद आती है वो इनके घर में एक महीने पहले आ गई है और इनके घर में यह प्रकाश फैलाने वाला प्रकाश है कौन है प्रकाश उससे भी मिलवाएंगे लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं सद्दाम के पास और सद्दाम से जानेंगे कि वो काली 150 रातें कैसे निकाली क्योंकि एक दिन सिख के पीछे रहना एक निर्दोष के लिए हजारों जन्मों से कम नहीं होता सद्दाम स्वागत करता हूं आपका उदयपुर न्यूज़ में जी सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं सर थैंक यू सो मच 150 रातें आपने जेल में निकाली है और आपको पता था कि आपने कोई दोष नहीं किया है कैसे निकाली अंदर क्या क्या ख्याल मन में आए होंगे किस किस तरह के विचार भी आए होंगे कि अपराधियों के साथ रहे अपराधियों के बीच में रहे अपराध नहीं करने के बावजूद सिखचों के पीछे रहे कभी मन में अपराधी बनने का विचार आया था क्या सर नहीं बहुत ख्याल आए थे पर घर वालों ने इतना हौसला दिया था मम्मी ने पापा ने मिसेज ने कि आप छूट जाओगे हम आपको बाहर निकालेंगे तो उसी हौसले से मैं ज़िंदा रहा अंदर बाक़ी तो मैं मर जाता मुझे पता था कि कि ये धारा ही ऐसी है देशद्रोह की क्योंकि मैंने तो एक सर गवर्नमेंट की मदद की थी प्रशासन की मदद की थी और मेरे को न्याय मिला नहीं और फिर उस बारे में सोच सोच के रात दिन तक बैठा रहता और ये लोग मेरे को बोलते हैं मेरा एस में खाता खुलवा रखा था मैंने बोलते थे कि तू टेंशन मत करना हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं बाल ले आएंगे बाल ले आएंगे ऐसे ऐसे करके मेरे को पाँच महीने निकाले मेरा दिल जानता है ये आए दिन रोते थे फ़ोन पर आए दिन ऐसे रोते थे मैं फ़ोन पर रोता था रात भर रोता था मैं खुद दुआएं मांगता था फिर रमज़ान से शुरू हुए मैंने नमाजें शुरू की नमाज इबादत करना शुरू करी फिर अल्लाह ने मेरी लाज रखी देखो आज मैं घर अपने घर आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करता हूँ आज मेरे पेरेंट्स थोड़े समझदार हैं और सपोर्टेड हैं तो मुझे बाहर ले आए ऐसे बहुत सारे निर्दोष बैठे हुए हैं जेल के अंदर तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन से थोड़ा जाँच सही से करके मुजरिम को डाला जाए और उसके बाद में मैं हमारे भाई साहब प्रकाश चंदलिया उनका भी क्योंकि मेरे घर पे मेरे फैमिली वालों को बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने और बाकी मोहसिन भाई है आप मीडिया वाले हो वो जनता है उदयपुर की सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं और ये भी है कि देखो एक गलत गलत फैसला सोच समझ के ले आना ले आ जाना चाहिए आपके पास जब नोट आए थे जी तब आपने क्या किया था क्योंकि आपकी जो कहानी है वो तो हम सभी लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कब क्या कैसे हुआ था और कैसे आपने नोट वहाँ पर दिए थे और उसके बाद आ, मेरे मेरा मामला तो आपको पता ही होगा कि बस ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मामा मेरा एक हुसैन मामा घर के हैं वो कुटड़ा से गाड़ी बेचने के लिए मेरे घर पर आया और वसीम नाम का लड़का है वो एम से नोट लेकर आया बस मेरा घर पर आना गुना हो गया गाड़ी ले चला गया वसीम और मैंने मामा से पूछा कि कि पैसे क्या है गाड़ी तो बोला कि गाड़ी बेच दी है पैसे कि ये रहे तो बोला कि भाई गिनो मेरी की गलती हो गई थी कि मैंने सोचा गिनो तो वो बोल रहे थे कि मसीम ने विश्वास है मुझे वो ऐसा बंदा नहीं है नकली वकली नोट वगैरह तू सोच रहा है मैंने कम होंगे तुम गिन लो आप तो वो बंडल खुलवाया मैंने वीडियो बनवाई फिर मेरे को थोड़ा पता लगा तो मैंने प्रशासन को फ़ोन किया प्रशासन को फ़ोन किया उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप जाओ वहाँ पे थाने में जाओ तो थाने में गया तो मेरे को भगा दिया गया वहाँ पे मैं अकेला नहीं गया मेरे दो तीन हाँ तीन दोस्त हैं मेरे तीनों साथ में मेरे चले हैं दो एक्टिवा हम दो टू व्हीलर लेके गए थे फिर वहाँ से भी भगा दिया गया फिर मेरा फ्रेंड बोल रहे कि एस पी ओ चलते हैं अपन वहाँ पे तो वहाँ एस पी ओ चलते हैं फिर मैंने बोला कि चलो अपन कल चलेंगे तो दूसरे दिन तो फिर वो मेरे को अरेस्ट ही कर लिया दूसरे तीसरे दिन अरेस्ट कर पे आपके लोरी पे आए थे हाँ वो डायरेक्ट फिर मेरे को बिठाया अरेस्ट किया मुझे बोलते हैं कि नोट दे दो फिर मैंने बोला कि साहब मैं बेकसूर हूँ मेरे पे मामला आप मत डालना तेरे को दो घंटे में छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है ये वो करके मैंने बरामदी करवा दी मैंने सोचा कि चलो मामला तो सामने ही है मेरे घर में फ़ोर ट्वेंटी करी उस बंदे ने तो सजा उसको मिलनी चाहिए मुझे क्यों मिलनी चाहिए इस हिसाब से मैंने तो प्रशासन का सपोर्ट किया दिल से सपोर्ट किया उनको यानी इतना सहयोग दिया मैंने आराम से उनको लेके गया जगह पर और मैंने उस नोटों को मैं बरामदी करवाई फिर मेरे को लेके गए कि साहब आ रहे हैं साहब आ रहे हैं साहब आ रहे हैं मेरे सामने फिर इन्होंने गिना है फिर पूछताछ करी है मेरे से बयान हुए थे मैं कहता रहा नौ दिन तक मुझे थाने में रखा और नौ दिन तक ही मैंने यही कहा कि सब मैं बेकसूर हूँ मुझे मत डालना जेल में सब मैं बेकसूर बेकसूरू बेकसूर हूँ और मेरे को फिर जितनी सजा सुनाई थी आपको जी। जब आपको पता चला कि अब आपको सजा हो गई है क्या लगा था सर दूसरे दिन ही मालूम चल गया था पेपर में कि इन्होंने बताया था कि, कि इस तरीके से छापा गया है कि पर्सन ने आपको बताया है कि नकली नोट संचालक उदयपुर में कर रहा है नकली नोट तो ऐसे ऐसे करके फिर मेरा वो पराठा सेंटर है मैं अभी पराठा सेंटर चला रहा था पहले ऑटो चलाता था अभी पराठा सेंटर चला रहा था क्योंकि धंधे थे नहीं मैं अपने दो बाल बल, दो बच्चे हैं मेरे तो फिर अब वहाँ पे सब धंधा वंधा सब बंद हो गया मेरा पूरा मिशन ही खत्म हो गया आपको कहने को तो पुलिस के ही कुछ जवानों ने आपको फंसा दिया ये कह सकते हैं लेकिन उसी प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने आज आपको फिर अपने परिवार के बीच लौटाया कह सकते हैं कि ये जो पाँच महीने का समय था ये एक बुरा वक्त हर व्यक्ति के जीवन में आता है और आपके भी जीवन में आया ईमानदारी आज भी कायम है तब भी कायम थी और आगे भी कायम रहेगी क्या कहेंगे सर वो ईमानदारी है और इंसानियत है ज़िंदा है तभी आज मैं अपने घर पर आया हूँ बाकी तो मैं मर ही जाता अंदर बिल्कुल आपको बता दें कि आपके बच्चों की जो दुआ है वो शायद कबूल की हो वही हुआ है सब मैं दिन रात ये सोचता था कि जो धाराएं लगी है मेरे पे मेरे को अंदर लोग बोलते थे कि तुझे तो लंबा राशा है तेरा लंबा राशा है बस ऐसा बोल बोल के मुझे यानी गहराई में डालते थे बोलते थे कि नोट वाले आते हैं नौ नौ साल दस दस साल काटते हैं अब मैं यही सोचता था कि सलाह मैंने कुछ किया ही नहीं है अब उनको क्या बताऊँ पूरा अंदर आया अंदर के डिप्रेशन में चले गए हो या ऐसा लगा कि आया बहुत बार आया सोचा भी था कि कुछ करें कुछ करें कि अब लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं करने को बहुत बार ऐसा सोचा माइंड में आया लेकिन फिर मैंने सोचा अपने बच्चे हैं दो फैमिली है और इतना दौड़ भाग कर रही है माँ है इतनी इतनी रोती है विश्वास था मुझे क्योंकि मेरी मैसेज है उसने मुझे बहुत पावर दिया हिम्मत दी मेरे माँ बाप ने बहुत दो, यानी दौड़े हैं हर जगह दौड़े हैं है, खटखटाया दर्द फिर प्रकाश जी हैं हमारे और फिर हमारे और भी हैं सपोर्ट मिला है कुल मिला के आज मैं बाहर हूँ अपने घर फैमिली के साथ में हूँ थैंक यू सो मच पुलिस वालों ने आपकी मदद की है क्योंकि पुलिस वालों ने ही फंसाया आज उन्होंने ही आपको वापस रिहा किया है क्या कहना चाहेंगे उन ऑफिसर से जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है सर उनको थैंक यू सो मच ही बोलूँगा सबसे पहले तो मैं लेडी जो ऑफिसर हैं अचेतना भाटी जी उनका मैं स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत दिल से क्योंकि उन्होंने एक जो सच्चाई है वो दिखाई है आपको पता ही होगा कि एक सौ तो केलों में से दस केले खराब होते हैं बाकी तो सही होते ही होते हैं होता है लेकिन उन्होंने एक ईमानदारी निभाई है जो। पुलिस प्रशासन पे, पे भी जो है वो विश्वास बढ़ा है भले ही कुछ भी हुआ था काली रातें थी पाँच महीने थे गुजर गए लेकिन कहते हैं कि रात यहाँ कब तक रहेगी भोर को आना पड़ेगा लाख अंधियारा सताए सताए फटे जाना पड़ेगा ये बुरा वक्त था गुजर गया लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने बेकसूर सद्दाम को सीखचों के पीछे पाँच महीने डाल दिया उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उदयपुर न्यूज़ जिला प्रशासन से अपील करता है हमारे साथ इनकी पत्नी है इनके बच्चे हैं ये वही बच्चा है जिसने अरहान इसका नाम है और ये वही बच्चा है जिसने कहा था कि पुलिस अंकल मेरे अब्बू को छोड़ दो वो निर्दोष हैं कहा था क्या कहा था जी। क्या बोला था मेरे पापा छोड़ छोड़ दो पुलिस अंकल जल्दी दिया धन्यवाद कहते हैं बच्चों की दुआओं में ताकत होती है और इन छोटे बच्चों की जो दुआएं हैं वो ऊपर वाले ने कबूल की है पाँच महीने बाद अपने पति से मिले हैं क्या लगता है ईमानदारी से जिस तरह इन्होंने पहले काम किया आगे भी करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन ने जिन्होंने इनका अभी सहयोग दिया विश्वास होता है पुलिस प्रशासन पे कानून पर विश्वास है या उठ गया है hey, कुछ है ऐसे जो है ना सच्चे के साथ देते हैं और जिन सच्चे का साथ ही दिया है हमारा जिन भी ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया उस वजह से मेरे हस्बैंड आज हमारे साथ है और हम सबका ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे ऑफिसर अगर हमेशा रहेंगे तो किसी को निर्दोष से जेल नहीं काटनी पड़ेगी और जो मेरे प्रकाश अंडालिया है मेरे भाई है वो उन्होंने हमारा हमेशा बहुत सपोर्ट किया उनकी वजह से आज ये यहाँ पर है और आप आप है वो सब मीडिया वाले जिसने हमें साथ दिया हमारी हर एक बात हर एक न्यूज़ को आपने हर एक हर एक तरफ पहुँचाया जिसके ज़रिए सबके आगे खुली और पता चला कि नहीं यह निर्दोष है इसलिए सभी ने हमारा साथ दिया और हमारा काम हुआ मेरे हस्बैंड हमारे घर आ चुके हैं और आप सबका धन्यवाद करती हूँ मैं रमज़ान के पवित्र माह में सदाम अपने घर लौटे हैं और सद्दाम के घर की ये जो खुशियाँ हैं सद्दाम के घर पर 150 काली रातों के बाद जो प्रकाश हुआ है वो प्रकाश ने फैलाया है हमारे साथ प्रकाश चंडालियाँ हैं समाज सेवी हैं जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते सिर्फ़ एक धर्म बहन बनाने के नाते उस परिवार की उस हद तक मदद की कि उनके माता पिता को जयपुर तक लेके गए बड़े अधिकारियों से मिले कोई अपने सगों के लिए भी इतना नहीं करता जिन्होंने जितना इन्होंने अपने धर्म के रिश्तों के लिए किया है प्रकाश जी स्वागत करता हूँ नमस्ते सर क्या कहना चाहेंगे आज आपके पाँच महीने की मेहनत के बाद सद्दाम घर आ गया है सर सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर के स्तंभ बन चुके और उदयपुर की तीसरी आंख बन चुके उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सद्दाम से रिलेटेड इस पूरी खबर को विस्तार से उठाया और आज उदयपुर न्यूज़ की वजह से ही सद्दाम अपने घर पर है और मैंने तो कुछ नहीं किया सर मैंने मेरा फर्ज था वो पूरा अदा किया है कि मेरी सिस्टर है धर्म की बहन है तो यह परिवार मेरे से सद्दाम भाई के जहल जाने के तकरीबन ढाई महीने बाद मेरे से मिले पहले तो जब मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा और सुना तो मैंने सोचा होगा कि कुछ गुनाह किया होगा तो गए होंगे जेल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन ढाई महीने बाद जैसे ही ये परिवार मुझसे मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि प्रकाश जी सद्दाम तो पूरी तरह से निर्दोष है तो मैंने इनसे सारी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से ली और मैंने उनको घर पर बैठ करके पूरा सुना सुनने के बाद में फिर मैंने जो पूर्व दबंग एसपी रह चुके दिनेश एहद साहब उनसे फ़ोन पे बात करी और उन्होंने मुझे जयपुर जाने के लिए बोला कि आप वहाँ जाओ जयपुर और वहाँ डीआईजी आईजी साहब से मिलना और मैं वहाँ पर बात कर लूँगा तो दिनेश हेमंत साहब ने जब हमें जयपुर भेजा और मैं इस परिवार को तुरंत प्रभाव से दूसरे ही दिन जयपुर लेके गया जयपुर से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वहाँ से 22 फरवरी को हम जयपुर गए और 24 फरवरी को यहाँ जयपुर से आदेश आ गया यहाँ के आईजी साहब के पास में और यहाँ के आईजी साहब ने स्वाति मिश्रा जी मैडम को उनको जाँच सौंपी और फिर वहाँ से गोपाल स्वरूप मेवाड़ा साहब ने इस संज्ञान को विस्तार से लिया और उन्होंने फिर चेतना भाटी जो डिप्टी एसपी हैं है जाँच अधिकारी उनको जांच दी तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि अगर सद्दाम निर्दोष है तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी, का पानी करके बताऊंगी और उन्होंने ऐसा ही किया मैं तहे दिल से चेतना भाटी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सद्दाम को बिल्कुल बाइज्ज़त बरी करने बरी करने के लिए उन्होंने पूरा काम किया और सद्दाम को निर्दोष बताया और जांच सौंपी कोर्ट के अंदर और एसपी साहब गोपाल स्वरूप मेवाड़ा उन्होंने बहुत हेल्प करी और पूरा कोऑपरेट किया पूरे परिवार को और मुझे भी और इसी के साथ साथ जो मल्ला तलाई के पूर्व पार्षद हैं मोहसिन खान साहब उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस परिवार का और मेरे मुझे भी हौसला दिया प्रकाश जी आप इस मुहिम में अकेले नहीं हो मैं भी आपके साथ में हूँ और विशेष हमारे उदयपुर के एडवोकेट नरेंद्र जी जोशी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जी शर्मा साहब उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस केस में और इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सबका पूरा सहयोग रहा और उन सब की दुआ और उन सब की मेहनत की वजह से आज सद्दाम अपने परिवार के साथ में हैं और मैं तो फिर से दिल से उदयपुर न्यूज़ का इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उदयपुर न्यूज़ अगर इस न्यूज़ को प्रमुखता से नहीं उठा पाता तो हम सारे एविडेंस लेके सिर्फ व्हाट्सअप व्हाट्सएप ही चलाते रहते तो भी कुछ नहीं होता जो मेन काम था वो उदयपुर न्यूज़ का था हम सभी उसके पीछे हैं और हम तहे दिल से उदयपुर न्यूज़ और सभी आला अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं धन्यवाद सर इंसानियत जिंदा है इंसानियत के रिश्ते जिंदा हैं आप देख सकते हैं मेरे साथ सद्दाम का पूरा परिवार है एक बार मैं आपको ये सभी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा ये सद्दाम के सासू माँ हैं हम इनसे बात करेंगे आंटी क्या लगा था आपको जब पहले दिन इनको सजा सुनाई गई थी और आपको तो पता ही था कि सद्दाम बेकसूर है उसके बाद भी इनको सज़ा हो गई थी हाँ मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था फोन आया मेरी बेटी रो रही थी बहुत बुरी कि अम्मी सुबह से है ना पकड़ के ले गए छोड़े नहीं उनको अभी तक और बहुत बुरी ये रो रही थी वही हम सब रोने लग गए थे बहुत बुरा बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा सबका और है ना हमेशा हर दिन हमारा रोता हुआ निकला हमारी बेटी का भी रोता हुआ ही निकला खूब बिसास विशास के रखा हमने इसको कोई नहीं ऊपर वाला अच्छा ही करेगा अपने साथ जो भी करेगा वो और हमेशा हर दिन यही इंतजार था कि बस आ जाए बाहर आ जाए बेकसूर कसूर आ जाए हमारी कोई गलती नहीं है इनकी सद्दाम की बिल्कुल आपकी बेटी भी उसी तरह से हिम्मत वाली है जिस तरह से हिम्मत वाला सद्दाम है हाँ। आज रोज़ा इफ्तियारी भी सबने साथ मिलकर की है हाँ। रमज़ान का महीना चल रहा है और एक माह बाद

धन्यवाद देंगे क्या उदयपुर को उदयपुर शहर को जो लोग आज, आज आपको देख रहे हैं आपको लगता है कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की वजह से आज आपका आज आज बच्चा बाहर है जी जी मैं धन्यवाद करता हूँ इन न्यूज़ चैनल का और उदयपुर के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने हमारी इस मुसीबत की घड़ी के अंदर हमारा साथ दिया और सच्चाई के साथ में हमारा साथ दे के हमें इंसाफ़ दिलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इससे आगे क्या बताएं जो मुसीबतें हमने झेली हैं कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसा काम हमें पता भी नहीं कोर्ट क्या होती है थाना क्या होता है अगर इतना पता हमें या हमारे बच्चे को होता तो ये उन पुलिस वालों से भी बात नहीं करता उस थाने में भी नहीं जाता और कहीं अधिकारी के पास में जाके उस नकली नोट को जमा करा देता लेकिन हम कभी थाने या कोर्ट कचहरी से हमें कभी कोई लेना देना है नहीं हम इस विषय जानते भी नहीं हैं इसलिए हमें जिसने भी जैसा किया हम हाँ हाँ करते रहे जिसने हमें भरोसा दिलाया उसके पीछे पीछे चलते रहे बस भरोसे के सिवा हमें कुछ नहीं मिला दो ढाई महीने के बाद में ये प्रकाश साहब मिले इन्होंने आके हमको सही रास्ता बताया उसके बाद में पीछे पीछे चलते रहे आप मिले आपसे बात होती रही आपने हमारा हौसला बढ़ाया और इस आधार के ऊपर ही आज हमें इंसाफ मिला है ईद से पहले हमारे घर में ईद जैसी खुशी है सबका धन्यवाद बस जय हिंद इससे आगे बस जय हिंद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसता हमारा माता जी पिताजी आप इनके साथ आए और एक बार आपको मैं पूरी ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पाँच माह बाद इस प्रकाश की वजह से ईद से पहले इस परिवार के घर में प्रकाश आ गया सद्दाम निर्दोष होने के बावजूद पाँच महीने तक शिक्षों के पीछे रहा उसकी पत्नी की क्या हालत होगी मैं बोल के बताने लायक भी नहीं हूँ वहीं उनके सासू माँ जिनकी बेटी का सुहाग उनकी बेटी का पति एक अनिश्चित समय के लिए कहीं चला सा गया था वहीं छोटे छोटे नन्ने नन्ने बच्चे क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब चंद पुलिसकर्मियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ वाह वाहि बटोरने के लिए एक निर्दोष को सीखचों के पीछे डाल दिया पूछता है उदयपुर पूछता है उदयपुर न्यूज़ एक एक दिन का हिसाब उन पुलिसकर्मियों से लेना चाहिए जिन्होंने सद्दाम के जीवन के 150 दिन और 150 रातें काली कर दी बिना किसी जुर्म के सीखचों के पीछे पाँच महीने तक रहा निर्दोष सद्दाम और आखिरकार उदयपुर के बड़े अधिकारियों ने जिनमें एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी एसपी चेतना भाटी मैडम ने निष्पक्ष जांच करते हुए एक बार फिर आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर की पुलिस की इस इबारत को सार्थक साबित किया है उदयपुर न्यूज़ उन तमाम पुलिस अधिकारियों का साधुवाद देता है जिन्होंने एक निर्दोष का एक आम जनता की आवाज़ सुनी एक आम आदमी के दर्द को समझा और आज एक माता पिता को ईद से पहले उनके घर में ईद मनवा दी उदयपुर न्यूज़ तमाम अधिकारियों का और उन तमाम उन लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सद्दाम की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई है उन्हें साधुवाद देता है उन्हें धन्यवाद देता है और इसी तरह से पुलिस और प्रशासन ईमानदारी पूर्वक कार्य करता रहेगा यही आशा करता है और जिन पुलिसकर्मियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ़ वाहवाही बटोरने के लिए या अखबार की सुर्खियों में छा जाने के लिए एक निर्दोष की पाँच महीने खराब कर दिए पाँच महीने एक निर्दोष को अपने माता पिता से अपने पत्नी से अपने बच्चों से अपने भाई से और अपनी बहन से छीन लिया उनसे सवाल पूछता है उनसे जवाब मांगता है कि 150 दिन जो सद्दाम का नुकसान हुआ है 150 दिन जो सद्दाम के परिवार का नुकसान हुआ है क्या ये तनख्वाह पाँच महीने की जो इन दोनों पुलिसकर्मियों ने या तीनों पुलिसकर्मियों ने जो भी इसके अंदर भागीदार है वो परिवार को हरजाना नहीं मिलना चाहिए पूछता है उदयपुर न्यूज़ फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाजत नमस्कार mama baba dono milakar baat karo aaj maine na nahi jaise re main mar mar ke